आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चलिए देख लेते क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर ट्यूब 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज 176 क्यूबिक सेंटीमीटर फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो मेरा यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, मैंने इसका डायग्राम बना लिया। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मेरा सिलेंडर है, तो जो अंदर वाली रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है, और जो बाहर वाली जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब कितनी दे रखी है, ये दे रखी है मेरी कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने कितना लिख लिया, 14 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि लेट आउटर रेडियस ऑफ कितना ट्यूब, इसको मैंने कितना मान लिया, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर कितना, सेंटीमीटर। और इनर को कितना मान लिया, इनर रेडियस ऑफ ट्यूब, उसको मैंने कितना मान लिया, उसको मैंने मान लिया आर सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ से ये आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मेरा यहाँ पर क्या दे रखा है, मेरा दे रखा है कि द डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज ट्यूब 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है इनसाइड एंड आउट सरफेस एरिया, वो कितना, 88। तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया वो कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कितना कह सकता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर सरफेस एरिया जानता हूँ कि जो मेरा सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, मेरा सरफेस एरिया होता है 2πRH, ये होता है मेरा यहाँ पर। तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, तो मेरा क्या है, इनसाइड क्या हो रहा है मेरा यहाँ पर, इस कंडीशन में मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, इनसाइड माइनस आउटर हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मेरा 2π ऑफ कितना आर माइनस कितना आर, यहाँ पे कितना आ गया एच इक्वल टू कितना 88, ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको कितना बोल दूंगा, इसको मैं यहाँ पर ये बोल दूंगा, तो क्योंकि मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि यहाँ से 2πH मेरा कॉमन आ जाएगा, तो आर माइनस आर मिल जाएगा मुझे यहाँ से। तो इसको मैंने यहाँ पर कितना बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। एंड जो मेरा वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का भी ऐसे डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 सेंटीमीटर कितना, 176 सेंटीमीटर कितना क्यूब, ये मेरा यहाँ पर दे रखा है। तो अब मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, तो ये कितना मिल जाएगा, जो मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो कितना होता है, πr²h होता है। तो यहाँ से πh तो मेरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा, r का स्क्वायर माइनस कितना r², यहाँ कितना आ गया h, πh कॉमन। तो यहाँ से कितना मिला, 176, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। तो मैं यहाँ पर ये कर दूंगा, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा इसको, ये कितना आ जाएगा, 2π ऑफ कितना r माइनस r, यहाँ पे कितना आ जाएगा h, अपॉन यहाँ पे कितना मिलेगा, पाई ऑफ कितना r² माइनस r का स्क्वायर, यहाँ पे कितना h इक्वल टू कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको लिख दूंगा 188, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 88 अपॉन कितना, 176। तो ये कितना मिला मुझे, 88 अपॉन कितना, 176, ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो मेरा पाई से तो मेरा पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं जानता हूँ a² - b² का फॉर्मूला कितना होता है, a + b a - b। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2r - r, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, अपॉन आर माइनस कितना आर, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, आर प्लस का आर इक्वल टू कितना, 88 अपॉन कितना, 176।
ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये तो इससे मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 upon of कितना r प्लस आर इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2 upon r प्लस आर, और ये कितना होता है 1 upon 2, क्योंकि 88 2 से कितना होता है 176, ये मिल जाएगा यहाँ से। तो r प्लस आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, r प्लस आर मुझे कितना मिल गया यहाँ से, 4 मिल गया। इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन थर्ड कह दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से मैं यहाँ पर कितना कह सकता हूँ कि पाई ऑफ कितना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऑफ एच इक्वल टू 176 था मेरा, तो यहाँ से इसको मैं कितना लिख दूंगा, आर प्लस एच, तो यहाँ इसको कितना लिख दूंगा, पाई ऑफ कितना आर प्लस आर और कितना आर माइनस आर ऑफ कितना एच इक्वल टू 176, क्योंकि मैं यहाँ जानता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस बी ऑफ कितना ए माइनस बी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी किसकी, पाई की, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 upon 7, और यहाँ पे इसकी आर प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा 4, और यहाँ पे कितना मिलेगा, ये आर माइनस आर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना आएगा, एच की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ पे कितना मिल गया 14 ऑफ कितना 176, तो यहाँ से मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको मैं कितना लिख दूंगा, यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा आर माइनस आर इक्वल टू 176 इंटू कितना 7 अपॉन यहाँ पे कितना मिलेगा 22 इंटू कितना 4 इंटू 14, ये यहाँ से मुझे मिल जाएगा। तो r माइनस आर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये कितना आ जाएगा मेरा 1232 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 1232, तो वैल्यू कितनी मिलेगी 1, तो यहाँ से मैं कितना कह सकता हूँ कि r माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 के इक्वल आ गई। इसको मैंने कितना मान लिया, 4th मान लिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो जब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो मुझे इक्वेशन कितनी मिलेगी, तो r प्लस आर इक्वल टू कितना था 4, और दूसरी ये कौन सी इक्वेशन आई है, r माइनस आर इक्वल टू कितना 1, तो इनको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये मेरा कैंसिल आउट, तो 2r इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 5 मिल गया। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो r की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 5/2, तो इसका मतलब कितना आ गया, 2.5 कितना सेंटीमीटर, तो मुझे यहाँ से ये मिल गया। तो सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो r माइनस आर इक्वल टू कितना था 1 था, तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आई है 2.5, तो 2.5 माइनस 1 इक्वल टू कितना R, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल गई R की 1.5, तो जो मेरी कैपिटल R की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2.5, और स्मॉल R की कितनी आई है 1.5, तो यहाँ से ये वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, हैंस, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो मेरी इनर रेडी आई है वो कितनी आई है, इनर रेडी मेरी आई है यहाँ पर कितना 2.5 सेंटीमीटर, ये आ गई मेरी यहाँ से, इनर मेरी कितनी आई है 2.5 सेंटीमीटर आई है, और जो मेरी आउटर आई है तो आउटर मेरी कितनी आई है, आउटर रेडी आई है मेरी यहाँ पर कितना, ये कितना आई है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यही क्या है मेरा यहाँ पर इसका आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।